नमस्कार दोस्तों, एमडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया। यह भर्ती परीक्षा 21 मार्च 2021 को आयोजित हुई। यह परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित हो रही है, जिसका पहले शिफ्ट का पेपर आज हम लेकर इस वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में उस पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे, इसके आंसर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगोगे, वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के पेपर का, निम्न में से राजस्थान के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है श्रीगंगानगर जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी राजस्थान की बेड की किस्म नहीं है, यानी कि इसने नहीं है पूछा है बेड की किस्म कौन सी नहीं है। मगरा, चोकला, पुगल, ये तीनों बेड की नस्ल हैं। बरबरी है जो ये बेड की नस्ल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, जोड़ा बनाइए। इसमें जोड़ा पूछ रहे हैं पक्षी अभ्यारण्य बाघ परियोजना काला हिरण अभ्यारण्य। तो पक्षी अभ्यारण्य केवला देवी गन्ना पक्षी विहार, बाघ परियोजना रणथंबोर में, और काला हिरण अभ्यारण्य पाया जाता है तालछापर अभ्यारण्य चूरू में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किन उद्योग स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जयपुर और जोधपुर में। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोलेला गांव। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय, यानी कि इसमें तिलहन फसल पूछ रहे हैं जो रबी की नहीं है। तो अलसी, तोरिया, सरसों, तारामीरा रबी की फसल है, बाकी मूंगफली रबी में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा नहीं है। चंबल परियोजना में कौन से राज्य का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। चंबल का हिस्सा है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना DBT योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना कौन सी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बामाशाह योजना। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बी, जयपुर जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा थी, 66 लाख और कुछ। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसका राइट आंसर रहेगा ओरिको। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नोख जैसलमेर में। पहला है जो सौर ऊर्जा पार्क था पहला, वो बड़ला जोधपुर में था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से मेले उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है। दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या आएगा, बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण महीना, खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन, और पुष्कर मेला कार्तिक। दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बाबा रामदेव जी का मेला जो भरता है वो भाद्र महीने में भरता है, खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन एकादशी और द्वादश में भरता है, पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तारागढ़ किले को विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंबोर किला, चित्तौड़गढ़ किला, इनके सिवाय 3 किले और हैं, ये 6 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 14, कानड़दे प्रबंध किसके द्वारा रचित थे, इसका रचनाकार कौन है, लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पद्म नाभ, जो जालौर के इतिहास से रिलेटेड है ये पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाबूजी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रावण हत्ता। क्वेश्चन नंबर 16,
राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? इसको बैराट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नैक चार्मर डांस से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कालबेलिया, स्नैक यानी सांप। 18 है, निम्न में सभी शैलियाँ ढूंढान चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आते हैं, सिवाय कौन सी? तो इसमें ढूंढान चित्रकला में कौन सी नहीं आएगी? उनियारा शैली, जो टोंक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, राजस्थान में तिलपट्टी के लिए वह स्थान जाना जाता है? जोधपुर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, कौन से लव देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाबू जी को। 21वें में है, पंडित जसराज गायकी संबंधित है, ये मेवाती गायकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान में ग्रिम्स महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माउंट आबू में। क्वेश्चन नंबर 24 है, दमना एक गहना जो पहना जाता है, ये अंगुली में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, निम्नलिखित में से शिलालेख प्रस्तुति उनके वर्ष के सही जोड़े कौन कौन से? तो इसके ये तीनों ही जोड़े सही हैं, असलेश्वर शिलालेख 1285, दिलवाड़ा 1216, कुंभलगढ़ 1460 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 26 है, ज्वार कला केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? जयपुर में, ऑप्शन बी। 27वां क्वेश्चन है, उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? मेवाड़ी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? महाराजा सूरजमल ने, इसका राइट आंसर। 29 है, राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरवक्षपाल सिंह के साथ कहां पर संधि की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, करौली में। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही काल अनुक्रम को बताइए? तो इसका राइट आंसर रहेगा हल्दीघाटी का युद्ध 1570 में, खानवा का युद्ध 1517 में, और गागरौन का उत्तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 3-2-1। क्वेश्चन नंबर 31 है, चित्तौड़ का विजय स्तंभ इनके द्वारा बनवाया गया? राणा कुंभा के द्वारा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, ट्रेंच कमीशन संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में 1857 का संग्राम कहाँ शुरू हुआ था? नसीराबाद छावनी से। क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारठ ने। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए, किशनगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर, इनके सही कालानुक्रम बताने हैं। तो इनके इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 3-1-2, यानी कि जयपुर 1931 में, फिर किशनगढ़, फिर बांसवाड़ा 1945 में। राजस्थान में बिल और ग्राय से लोगों को संगठित करने के लिए संसभा की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गोविंद गिरी ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 38, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था? दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। CM 7 पॉइंट मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, नारी सशक्तिकरण से, यह 2009-10 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा? 7 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 41, कू संबंधित है बील जनजाति के घरों से। क्वेश्चन नंबर 42 है, सेकाउटी ब्रिगेड का मुख्यालय स्थित है सीकर में। 43 क्वेश्चन नंबर, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? जेम्स मार्केट, जयपुर। पशु प्रजनन केंद्र और नस्ल, इनको मिलान करना है तो डग के आएगा मालवी, चंदन थार पारकर, नोहर में राठी, ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के मध्य हवाई सैन्य अभ्यास का आयोजन जनवरी 2021 में किस स्थान पर हुआ? जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 46 है, नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह के पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअली उद्घाटन यहाँ पर किया, जयपुर में, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 47 है, राजेंद्र कुमार भंडारी जो हाल ही में चर्चा में थे किस पुरस्कार के विजेता हैं? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, 1 जनवरी 2021 को किस संस्था ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? BSNL ने। IUC का पूर्ण रूप क्या है जो हाल ही में चर्चा में था? इंटरनेशनल यूजेज चार्जेज। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस संस्था ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया? नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 51 है, जनवरी 2021 में संपन्न WHO की कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता किस देश ने की थी? भारत ने। क्वेश्चन नंबर 52, राफेल फाइटर जेट जिसे 26 जनवरी 2021 की गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया वह किस देश से भारत ने खरीदा? फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण 16 से 24 जनवरी 2021 को यहाँ पर आयोजित हुआ गोवा में। वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कृषि से। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ऑप्शन ए ग्रीस, सी मर्मू। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, COVID-19 संक्रमण से बचाव के टीके कोवैक्सीन कोविशील्ड को किस तापमान पर रखा जाना चाहिए? 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। नेपा इंडस्ट्रीज फेमस फॉर अखबारी कागज उद्योग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल नहीं है? बाजरा रबी की फसल है। इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल है? बाजरा। क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। इनमें से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH 44। ये नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर बनाता है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। क्वेश्चन नंबर 62 है, इनमें से कौन हिमालयी नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो हिमालयी नदी प्रणाली का हिस्सा गंगा नदी जो गंगोत्री से निकलती है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र, इसका हिस्सा नहीं है। 1:50,000 के पैमाने पर एक नक्शे पर खींचा गया 1 सेंटीमीटर भूमि को क्या प्रदर्शित करेगा? 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? गुरु शिखर 1722 मीटर। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम बड़े से छोटा, जैसलमेर सबसे बड़ा, उसके बाद नागौर, फिर टोंक। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुतान नाम का उपयोग किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जार्ज थॉमस ने। क्वेश्चन नंबर 72 है, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन क्षेत्र हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बजाज सागरमान डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा भरतपुर। और क्वेश्चन नंबर 75 है, राजस्थान के किस बाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए खेतड़ी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये राजस्थान GK की संपूर्ण आंसर की आपको बता दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों आंसर की के बारे में जो भी कोई गलती कोई मिस्टेक हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश करके आपको एकदम ऑथेंटिक आंसर बताने की कोशिश किए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।